पुनीत रोहिला न्यूज उत्तराखंड समाचार से चैनल हेड अपने मित्र सोनू रोहिला के साथ। आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास बैठे हैं जो पेशे में, तो इनका पेशा इंडस्ट्री में इनकी बहुत अच्छी शॉप भी है एक, मतलब इनका जो यहाँ पर हम दिखाएंगे अभी आपको क्या मैन्युफैक्चरिंग के बने हुए सामान है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, गैस चूल्हा, फर्नीचर की ऑल वैरायटी इनके यहाँ उपलब्ध रहती है। शशांक जिंदल इनका नाम है और इस कौन से जुड़े हुए हैं और काफ़ी समाज के अंदर जो इनका स्थान है वो एक इस तरह का है कि हर के दुख या सुख में ये हमेशा साथ खड़े रहते हैं। शशांक जिंदल जी से आज हम मुलाकात करते हैं, उन्हीं के मुखवंदन सुनेंगे। शशांक जी, न्यूज उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। सर क्या कहना चाहेंगे आप, कल आप शायद प्रेमचंद अग्रवाल जी के पास भी गए थे? कल प्रेमचंद अग्रवाल जी से मिले थे और उनसे मुलाकात हुई और आने वाले 2022 के इलेक्शन के लिए भी उनसे बातचीत हुई, बाकी देखते हैं जैसा भी होता है। 2022 जैसे आप राजनीतिक में कभी थे नहीं, तो आप को क्या प्रेरणा दी, मतलब क्या मिला आपको कि आप जनता की सेवा के लिए आप 2022 का चुनाव भी लड़ने के मूड में? मैं एक्चुअली वैसे तो काफ़ी टाइम से राजनीति में जुड़ा हुआ हूँ लेकिन अभी कुछ समय से ही सक्रिय हुआ हूँ, ऐसे समय नहीं लग पाता, बाकी आगे देखते हैं जैसा जो भी होता है, अगर पार्टी साथ देगी या दल कोई सा भी हो आगे विकास के लिए अपने शहर के लिए और सब उत्तराखंड के लिए कुछ ना कुछ सोचा हुआ है, मैंने काफ़ी कुछ सोचा हुआ है, आगे देखते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप जनता को ऑन कैमरा की क्या सोच रखा है आपने? जैसे नगर में, रुड़की नगर में जैसे जो आजकल स्थितियां चल रही हैं या जिस तरह से जिस हिसाब से पैसा फंड जो उनको मिलता है और जो शहर में नहीं हो पा रहा, तो मैं इस चीज़ में सोच रहा हूँ कि कुछ आगे बढ़ा जाए और अपने शहर रुड़की वासियों की मदद की जाए। जी सर, ड्रेनेज की अगर बात करें, रुड़की में जल भराव की स्थिति बहुत रहती है, तो उस बारे में कुछ अगर आपको भविष्य में कभी स्थान मिला तो आप क्या सोचेंगे? एक बहुत विकट समस्या है जल भराव। जल भराव की पूरे शहर में बहुत ज़्यादा विकट समस्या है, उसके लिए अभी प्लानिंग करेंगे, देखते हैं। हमारे मेयर साहब ने भी उसके लिए प्लानिंग करी है, गौरव गोयल जी ने भी उसके लिए काफ़ी प्रयास किया है, अब उसमें देखना ये है कि उन्होंने किस तरह से उस चीज़ को लेकर के चले हैं, क्यों जल समस्या का नहीं हो पा रहा, क्यों निकास नहीं हो पा रही, हालांकि उन्होंने शहर के काफ़ी नाले काफ़ी कुछ में सफाई कराई है, बहुत सहयोग करा है उन्होंने, लेकिन ये एक प्रॉपर तरीके से अगर बैठ के हो सब उसको एक प्रॉपर तरीके से विचारधारा बना करके चले तो वो होगा समाधान। जनता ने अगर 2022 में आपको सहयोग करा और अगर आपको किसी पार्टी से टिकट मिल गया तो फिर क्या रहेगा आपको जल भराव के लिए आपका और बिजली समस्या के लिए? अगर जनता ने चुना तो देखते हैं कुछ ना कुछ सोचेंगे उस बारे में, और बाकी बिजली की समस्या पहले से काफ़ी सुधार में है, इंडस्ट्रियल एरिया का जो फीडर है और रामनगर तक जो है यहाँ पे पहले से काफ़ी फ़र्क है, पहले तो बिजली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज़्यादा दिन में 2-3 घंटे के कट रहते थे, लेकिन अब सुधार है। जल भराव का देखते हैं, बड़े नाला जो है या वैशाली मंडपम के पास एक बड़ा नाला है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं जगह कुछ लोगों ने नाले बंद किए हैं, कुछ कनेक्टिविटी नहीं है जी, तो उसमें देखते हैं आगे विचार करते हैं क्या है। हम इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ से भी उसमें विचार कर रहे हैं, हमारी एसोसिएशन भी उसमें देख रही है कि हमारे जो पूरे यहाँ से लेकर के चुंडी तक का जो नाला है इंडस्ट्रियल एरिया से उसे भी कैसे कहाँ से कनेक्ट किया जाए, हमने अपने स्तर से भी कई बार उसकी सफाई कराई है, अपने खुद निजी जेब खर्च से भी हमने कई बार उसको खाली करवाया है, सफाई करवाई है। तो ये थे हमारे पास शशांक जिंदल जी, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि यदि जनता ने 2022 में विधानसभा चुनाव में इस बार मौका दिया हमें तो हम कुछ नया करके दिखाएंगे, और अपने निजी खर्च की अगर बात करें तो निजी खर्च में इस्कॉन द्वारा ये बहुत निजी खर्च ये धार्मिक जो चलती हैं यहाँ पर उसमें भी अपने खर्च में कभी पीछे नहीं हटते, और यदि अगर बिजली की बात करें तो काफ़ी सुधार की स्थिति बिजली विभाग को बता रहे हैं कि आपको काफ़ी जो कट लगते थे वो कट भी थोड़े बंद हो गए हैं लगने, अब इंडस्ट्रीज जो इनकी एसोसिएशन है वो भी उसके लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। एक बार दोबारा जुड़ते हैं, क्या कहना चाहते हैं? एसोसिएशन वाले भी इस चीज़ में काफ़ी प्रयास कर रहे हैं क्योंकि इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, अगर लाइट ही नहीं आएगी, बिल तो निरंतर बराबर आता है लेकिन अगर लाइट नहीं आएगी तो जनरेटर का खर्चा काफ़ी बैठता है, तो इस चीज़ के लिए सब एसोसिएशन वाले रुड़की बिजली विभाग में भी गए थे, पहले से काफ़ी सुधार है बिजली में, थोड़े बहुत कमियां हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं कि दूर करें। देखा आपने शशांक जिंदल के मुखवंदन से ही, शशांक जिंदल जी का साफ तौर पर ये कहना है कि समस्या जो है वो है लेकिन उसका निदान अगर हो तो वो एक बहुत बड़ी समस्या का हल होता है। तो मैं अपने सहयोगी सोनू के साथ पुनीत रोहिला, न्यूज उत्तराखंड समाचार से, चैनल हेड आपका अपना प्रिय।